डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कस किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ज़रा अच्छे से समझिएगा। बोला जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए, अब समुद्र तल, समुद्र कहाँ होता है, तो धरती पे। सबसे पहले हम लोग धरती बनाएंगे, है ना, ये हम लोगों को धरती है। और ऐसा मान लीजिए कि ये हम लोगों को समुद्र भी है, ठीक है। और समुद्र तल से हम लोगों को एक लाइट हाउस है। यहाँ पे क्या जल रहा है, तो यहाँ पे लाइट जल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट हाउस है, ठीक है। इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है, लाइट हाउस होता है। समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ों को अपनी स्टॉप यानी कि अपनी स्थिति को समझने के लिए कि हमको जाना कहाँ है, इसलिए बस स्टॉप पे, जैसे बस स्टॉप कैसे होता है, उसी तरीके से जहाज़ों का जहाँ पे स्टॉपिंग होता है, रुकावट होता है, वहाँ पे एक बड़ा लाइट हाउस लगाया जाता है, ताकि इधर जो भी जहाज पानी में तैर रहा होता है उसको नज़र आए कि हमको इस स्थान पे पहुँचना है, ठीक है। इसलिए जहाज़ों का जहाँ बेड़ा होता है, जहाँ जहाज रुकती है, वहाँ पे एक लाइट हाउस लगाया जाता है, इसको हम लोग कहेंगे लाइट हाउस। और इसका जो हाइट है ना दोस्त, वो 75 मीटर है, याद रखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 मीटर है, समझ में आ रहा है। तो एक लाइट हाउस जो है समुद्र से कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। फिर बात कर लेते हैं आगे क्या लिखा है। लाइट हाउस को शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, तो अगर इस लाइट हाउस का शिखर तो यहाँ है, यहाँ से दो जहाज़ को देखा जा रहा है। मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दो जहाज हो सकते हैं। तो एक जहाज को देखने पर अवनमन कोण बोल रहा है कि 30 डिग्री है, और दूसरा जहाज को शिखर से देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण का मतलब कौन सी होता है, ऊपर से देखते हैं तो अवनमन, तो पहला वाला का अवनमन जो है 30 डिग्री है और दूसरा वाला का अवनमन जो है 45 डिग्री होता है। अवनमन जब भी बोलेगा ना, तो ऊपर से नीचे देखने में यूज होता है। तो अवनमन बोला तो ई वाला 30, और जब ई वाला 30 तो एकांतर अंत कोण से ई वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और ई वाला पूरा 45 तो ई वाला हो जाएगा हम लोगों को 45, ठीक है। तब क्या बोल रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज का दूरी ज्ञात करना है। देख लो, एक जहाज दूसरे जहाज, दोनों जहाज एक ही ओर है, ऐसा नहीं कि लाइट हाउस बीच में है तो एगो जहाज एने है तो एगो एने है, क्योंकि पानी ही पानी है, समुद्र में ही है सब कुछ। लेकिन जहाज के एक ओर जो है दोनों जहाज है, और दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो यही वाला दूरी आपको आंसर निकालना है, मान लीजिए इसको x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ नहीं है तो मान लीजिए y, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोगों को मेन जो आंसर बोल निकालना है वो x का मान निकालना है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि दोनों जहाज, एगो जहाज यहाँ है एगो जहाज यहाँ है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, तो ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी, कुछ भी नाम दे देंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज ABC में चलिएगा, ठीक है, त्रिभुज ABC में चलिएगा। ABC से चलते चलते Y का मान आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तब आप बड़ा वाला त्रिभुज में चलिएगा, ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में आप चलिएगा, तो थीटा कितना है, 30, और 30 के सामने होता है P, तो P हो जाएगा हम लोगों को 75, लेकिन B कितना होगा, तो B यहां से लेकर यहां तक ना, तो यहां से यहां तक हो जाएगा x और प्लस में y, x प्लस में y, और y का पहले वाला मान निकालिएगा
वही हो जाएगा एक्स प्लस, मैंने वाई का वैल्यू 4 आएगा, तो 4 मैंने वाई का वैल्यू जितना आएगा, हालांकि हम आपको बताते चले वाई का वैल्यू 75 आएगा, तो यहाँ एक्स प्लस 75। अब यहाँ से अब ई वाला त्रिभुज में आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा, और यही वाला एक्स हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालिए, तो यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो हम आपको फिगर भी समझा दिए हैं, और आपको बनाना आपका काम है कि कैसे इसको बना पाएंगे। मेन तो है आप देख लीजिए, 60% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप फिगर बढ़िया से बना दे तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देख लो। अब मान लिया कि सबसे पहले धरती बना दो, अब इस धरती पे एक लड़की है, तो लड़की ये है गर्ल, इसका 1.2 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा गुब्बारे को देखती है। देख लीजिए यही गुब्बारा है, गुब्बारा का ऊंचाई टोटल कितना है, तो यहाँ से गुब्बारा का जो ऊंचाई है, एगो यहाँ गुब्बारा है, वही वाला गुब्बारा यहाँ उड़ते उड़ते हवा में आ जाता है, तो गुब्बारा का ऊंचाई टोटल 88.2 है, लेकिन लड़की की ऊंचाई तो 1.2 है ना, लड़की की ऊंचाई 1.2 है, तो यहाँ से 1.2, यहाँ से भी 1.2, क्योंकि लड़की का जितना ऊंचाई है उतना तो ऊंचाई यहाँ काट लीजिए, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 87 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 बचेगा, क्योंकि टोटल बैलून का ऊंचाई कितना दिया था, 88.2 दिया था, टोटल 88.2 दिया था, लेकिन नीचे जो है लड़की का ऊंचाई तो 1.2 है, इसलिए ऊपर कितना होगा, तो 87, यहां पे भी हो गया ऊपर 87। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब देखती है तो उसका उनियन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब बैलून यहां था तो उनियन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा था, यानी कि यहां 60 डिग्री, और जब बाद यहाँ पे चल गया बैलून तब ई वाला कोण हो गया हम लोगों को ई वाला 30 डिग्री, 30 डिग्री, तब क्या बोल रहा है घटकर 30, कुछ समय बाद 30 डिग्री हो जाता है, इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक्स निकालना है। ठीक है, तो जब इसको एक्स माने हैं तो यो एक्स ना होगा, तो यही तो हमको निकालना है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितना गया, तो इसको एक्स माने हैं, इसको आप वाई मान लीजिए। ठीक है, इसको आप वाई मान लीजिए, आप सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ए बी, यहाँ हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ई हो जाएगा ई। आप सबसे पहले ए बी सी में चलिए, है ना, ए बी सी में चलिए, यहाँ 60 दिया है, 60 के सामने 87 देवल है, और ई वाला वाई, तो वाई निकाल लीजिए सबसे पहले, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में चल के आप वाई का मान निकाल लीजिए। फिर क्या करिएगा कि अब चलिएगा डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में चलिएगा, तो डी बी ई में थीटा तो आपका 30 है, ठीक है, और 30 के सामने वाला पी होता है, तो यहाँ पी 87 ना होगा ऊपर ऊपर वाला, और लेकिन आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा टोटल वाई प्लस में एक्स, तो वाई का तो मान हम लोग पहले से निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी एक्स का आंसर निकाल लेंगे, और जो हम लोगों को एक्स आएगा वही हम लोगों को आंसर होगा। यानी कि 13 नंबर और 14 नंबर को फिगरली ड्रॉ करके हम दिखा दिए हैं दोस्त, अब इसको बनाना है, निकालना है वैल्यू, तो आप इसको दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा पूरी पूरी तरीके से आंसर निकालने का, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझा दिए हैं क्वेश्चन को कि कैसे फिगर बनेगा दोनों क्वेश्चंस का, लेकिन निकालना क्या है, दोनों बैलून के बीच की दूरी, यानी कि एक्स हम लोगों को मेन आंसर होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स हम लोगों को मेन आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना था, हम लोग तो वाई अपने से माने हुए हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, सही आंसर लाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।